गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम आए हैं सिटी में, अभी हम जा रहे हैं सरवाना भवन। वहाँ पे ना साउथ इंडियन फूड बहुत ज़्यादा फेमस है। भूख लग रही है। वहाँ का साउथ इंडियन फूड बहुत ज़्यादा फेमस है, काफ़ी अच्छा होता है। तो हमें जब भी कुछ ऐसा खाने का मन करता है ना, डोसा इडली, हम वहीं पर जाके खाते हैं। तो अभी खुला भी हुआ है, पहले हम चेक कर रहे थे कि यहाँ पे कहीं कहीं ऑड इवन शॉप्स भी चल रही है ना, कि मतलब ऑड वाली खुली है या फिर इवन वाली खुली है, बंद है, ऐसा भी चल रहा है। तो हम पहले चेक कर रहे थे कि वो ओपन है या नहीं, वो ओपन है। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं। को बड़ी भूख लग रही थी तो अभी हम जा रहे हैं सरवाना, जैसे कि इसने बताया। आप देखते हैं यहाँ पर आज भीड़ है कि नहीं। जनरली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, बट आज ज़्यादा भीड़ नहीं है। आई थिंक लोग बाहर जाना अवॉइड कर रहे हैं, इस वजह से शायद भीड़ कम है। तो अभी डिसाइड करें कि इसको क्या खाना है, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगी मेरे को क्या खाना है। गाइस, हमारा ऑर्डर आ गया है। हमने दो मिनी टिफिन्स ऑर्डर किए थे, इसमें सांभर डोसा, इसमें स्मॉल इडली है पाँच, चटनी, हलवा और उपमा है। मैं इसने एक ही लस्सी कुछ ली है, बटर मिल्क है सॉल्ट फ्लेवर का। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, हम आपको डायरेक्ट खा के मिलते हैं। बाय कर दे। सो गाइस, फाइनली हमने लंच कर लिया है, पेट बहुत ज़्यादा भर गया है। और जो हम सरवाना आए थे वो सिटी में है, कनॉट प्लेस में, और इसकी दो ब्रांचेस है सिटी के अंदर, एक के ब्लॉक में है और एक यहाँ पे है जनपथ रोड के अपोजिट पे। तो दोनों ही अच्छे हैं, आप किसी में भी जा सकते हो। और अभी हम जैसे ही बाहर आए तो बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चलने लग गई, जब अंदर गए तो थोड़ी धूप भी निकली थी। बारिश होने वाली? नहीं, बारिश तो नहीं होगी। दिल्ली का वेदर भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, कुछ पता ही नहीं चलता, कभी बारिश हो रही है, कभी इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो मैंने भी बहुत सारे कपड़े पहने हुए हैं, इसमें भी बहुत सारे कपड़े पहने। तो अभी हम देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। सीपी के अंदर थोड़ा जो उसके इनर सर्कल पे हम जाएंगे, यहाँ पे शायद जनपद भी एक्सप्लोर करके आ सकते हैं। फिलहाल तो मौसम का मज़ा ले रहे हैं। क्या बोलना चाहोगे आप? ठंडा मौसम हो रहा है, काफ़ी ठंड हो रही है। मैंने तो अपना मफलर गाड़ी में भी रखा हुआ है, बाकी देखती देखो। आपने अभी प्रीवियस क्लिप से कि हम जनपद मार्केट गए थे, पर वहाँ पे कोविड की वजह से ना ऑलमोस्ट सारी शॉप्स बंद हैं, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं खुला हुआ था, बहुत ही कम लिमिटेड शॉप्स खुली थी, सारा खाली पड़ा था। तो अभी तो इसलिए हमने सारा नहीं घूमा, हम पहले ही वापस आ गए। और वहाँ पर कुछ आज तक वाले भी आए हुए थे, यानी कौन से रिपोर्टिंग कर रहे थे। ये डॉगी कितने आराम से सो रहे हैं। तो अभी हम सीपी के इनर सर्कल पे जा रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा घूमते हैं। अभी इसको इयररिंग्स देखने जाना है अपने फेवरेट जगह पे। सीपी में एक साइड में थोड़ा सा आउटर सर्कल भी, दो तीन इयररिंग्स वाले बैठते हैं। हाँ। कैसे मुझे वहीं लेके जा रही है। तो फाइनली ये पहुँच गई है देखने के लिए।
ऑनलाइन हंड्रेड शॉप से एक या दो इयरिंग्स खरीदी, ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आई। और वैसे ही आजकल तो घर पे रहना होता है, ज़्यादा शॉपिंग करने का इतना मन नहीं करता। तो अभी हम बाहर लेके रख लेती है और फिर भूलना पहनना भूल जाती है। हाँ ऐसा होता है, मेरे पास मैं रख के भूल जाती हूँ कि मैंने कहाँ रखा है। के पास कम से कम भी 200 इयरिंग्स होंगे जिससे पता ही नहीं होगा कि पन्नी पैक रखे होंगे, आज तक पहने ही नहीं भाई। गाइस सीपी में आजकल बहुत ज़्यादा चलान कट रहा है, मास्क पहन के रखो आप आ रहे हो तो। अभी हमें साइड में देखा, मतलब पूरी टीम घूम रही है लोगों की, वो जो चलान काटने वालों की। क्या बकवास है भाई, एक बंदा वहाँ खड़ा था उसका चलान काट दिया, वो लड़की बात करती हुई आ रही है, उसके नाक से नीचे वहाँ से उसको छोड़ दिया। वो उनका मन होता है कि इनको जिनको पकड़ना होता है उन्हीं को पकड़ते हैं। कोई पर्सनैलिटी नहीं है, कितने लड़कियों का भी देखा चलान करता हुआ। हमारे साइड में ही चल रहे हैं वो। कोई बंदा बेचारा सांस लेने के लिए भी मास्क नीचे करेगा ना, उसका चलान सबसे पहले कटता है। मुझे एक जगह मिली है, यहाँ पर मैं फोटो खिंचवाऊंगी अपनी। गाइस हमारे पीछे वो कितने सारे चलान कट रहे हैं अभी। मैं देखो वो रे पीछे उनका चलान उनको पकड़ लिया, बेटा इधर आओ। मैंने उनको इतना कैप्चर नहीं किया, कहीं बदले मेरे को ही पकड़ ले, बेटा आओ, तुम्हें बहुत वीडियो बनानी आ रही है। बहुत देर से मैं बी ब्लॉग ढूंढ रही हूँ, वहाँ पे एच एन एम है और वो मिली नहीं। अभी डी ब्लॉग आया है, उसके बाद एक और ब्लॉग क्रॉस करके फिर मुझे एच एन एम मिलेगा। इसको पता नहीं क्या हो गया, भागने लग गया बी ब्लॉग देखते। अरे कहाँ गया, तो एच एन एम चल के आया। एच एन एम बंद है, एच एन एम के शटर लगे हुए हैं। बाकी सीपी में तो और कुछ करने के लिए है ही नहीं, हमें शटर लगा रखा है। बट ये बंद क्यों है ये नहीं पता। सो अभी हम अब जा रहे हैं अपनी पार्किंग पे जहाँ गाड़ी खड़ी है, उसके बाद देखते हैं कहीं और जाएंगे, यहाँ पे तो बोर हो जाएंगे वरना। उसके लिए भी हमें इतना चलना पड़ेगा वापस। सो मैं आपको डायरेक्टली अब गाड़ी में बैठ के मिलूँगी। फाइनली हम साकेत डीएल में आ गए, वहाँ पे कुछ करने के लिए तो था नहीं। सो ये भी थोड़ा खाली है तो हम यहाँ पे देखते हैं, कुछ एक्सप्लोर करते हैं क्या करते हैं। यहाँ पर रॉड इवन के हिसाब से शॉप खुल रही हैं, तो आपको अगर आना हो तो देख के आइएगा। हाँ चेकआउट कर लेना कि आपको कौन सा आउटलेट में आना है, क्योंकि रॉड इवन के हिसाब से शॉप आउटलेट शॉप्स खुली हुई हैं। और अभी हम अभी फूड कोर्ट पर जा रहे हैं, ऊपर देखते हैं कि क्या है। When I said to you we would never grow old, messages I've saved that I never send, 'cause I don't know you but I used to back then. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time in the back of your car. We passed out counting stars, promised all these years we'd pack our things and disappear. गाइस हम बस अभी घूम लिया, अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं। मॉल में ज़्यादा कुछ था नहीं आज, शॉप बंद थी तो हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए और बहुत थक गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरा छोटा सा रैंडम ब्लॉग अच्छा लगा हो। इन केस अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।